हेलो गाइस। चलिए हम लोग अपने चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, और वह चैप्टर था सॉलिड स्टेट। आज हम लोग अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाते हुए और दो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे, और वह जो दोनों टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं। और बना के छोड़ दिए थे चैप्टर, और वो टॉपिक था हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। तो आज का जो मेरे पास टॉपिक होगा वह क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। हम लोग जो बात करेंगे आज दो टॉपिक में बात करेंगे, एक देखेंगे क्रिस्टल लैटिस और एक को बोलेंगे यूनिट सेल। तो पहले आपको दिखा दूं क्रिस्टल लैटिस है क्या। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि उसका जो अरेंजमेंट था एक रेगुलर था, और जो रेगुलर अरेंजमेंट था उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हो क्या रहा है कि सॉलिड के अंदर जो हमारे पास होता क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। ये हमारे पास एटम है, इनका क्या होता है, मेरे पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो जो हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एक बात आप और क्लियर कर दो, अगर हमसे कोई पूछे स्पेस लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस दोनों क्या होता है, सेम होता है। यानी कि क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस दोनों सेम है। तो होता क्या है कि मेरे पास जो एटम है वह करता क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट्स करता है, और वह करेगा कहां पर, तो वह करेगा 2D और 3D में। 2D कहने का मतलब टू डायमेंशनल, और 3D कहने का मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। यानी कि मेरा जो सॉलिड का अरेंजमेंट होगा उसके एटम का, वह 2D में होगा और 3D में होगा। तो जो इनका अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इनके पास एक क्या होता है भाई, तो इनका जो पॉइंट होता है, तो जो पॉइंट है उस पॉइंट को बोलते हैं स्पेस लैटिस, या उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट है क्या, तो जो उनका पॉइंट है, तो दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं मेरे पास ये मेरे पास पॉइंट है, इसको करेंगे क्या, मिला दिया। तो जब इसको ज्वाइन किया तो हम लोग देखे क्या भाई, 2D। 2D कहने का मतलब मैथमेटिक्स में पढ़कर क्या है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अच्छे से बना। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि दो एक्सिस परपेंडिकुलर हो, तो उसके स्पेस को बोलते हैं 2D। और इसी में क्या कर दो भाई, एक और दे दो जेड एक्सिस। तो जब इसके अंदर जेड एक्सिस दे दूं तो इसको बोलते हैं 3D। यानी कि मेरा जो स्पेस होता है दो फॉर्म में होता है, एक 2D के फॉर्म में होता है और एक 3D के फॉर्म में होता है। और हमारा जो क्रिस्टल लैटिस में होता है वह दो फॉर्म में होता है, एक को हम बोलते हैं 2D के फॉर्म में, एक को बोलते हैं 3D के फॉर्म में।
तो 2d के फॉर्म में हमारे पास क्या क्या आएगा? तो हमारे पास 2d के फॉर्म में क्या होगा भाई? स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा। यानी कहने का मतलब कि वैसा प्लेन जो करता क्या है, दो ऐसे से बनता है। तो दो ऐसे से बनने के कारण इसे क्या बोलते हैं? 2D। मेरा जो ब्लैक बोर्ड है एक 2D में है, और 3D में क्या होता है? हमारे पास तीन टाइप का 3 एक्सिस के बीच में आएंगे। यानी कि ये जो मेरे पास बन रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि यह स्क्वायर शेप का है, यानी कि हमारे पास क्या है? 2D के फॉर्म में है। अगर हम बात कर लू 3D का, तो 3D का दिखाते हैं, इसी में बना देते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो जब स्क्वायर के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, पैरेललोग्राम के फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं 2D, और जब वह क्यूबिक के फॉर्म में, क्यूबॉइड के फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग 3D स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस दो फॉर्म आएंगे, 2D और 3D। तो चलो जब एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, वह है क्या कि हमारे पास स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस 2D और 3D के फॉर्म में होता है, और ये जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है क्या, तो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। तो जब 2D और 3D फॉर्म में पास एटम अरेंज करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। और इनका जो मेरे पास पॉइंट जो होता है, ये जो मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं धीरे धीरे। तो ये था हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस हम लोग देखिए 2D के फॉर्म में स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। 3D के फॉर्म हमारे पास क्या होता है भाई? 3D के फॉर्म हमारे पास होता है क्यूब, क्यूबॉइड, स्टार्स हमारे पास होते हैं। तो चलते हैं हल्का सा थोड़ा सा और बात कर ले, और बात करना क्या है? पैरामीटर। तो हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस है, ऐसा इसमें होता क्या है भाई कि ए मेरे पास साइड है, ए है, ए मेरे पास बी है, ए मेरे पास क्या है? सी है। तो ए जो मेरे पास ए है, क्यूब उसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड बराबर हो, और क्यूबॉइड उसको बोलते हैं जिसमें ए बी सी कोई भी सेम होता नहीं है, या फिर कोई दो सेम हो, और जब सब तीनों सेम हो जाए उसे बोलते हैं क्यूब, और जब वो डिफरेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो ए मेरे पास साइड क्यूब है, ए बी और सी है, और इनके बीच जो मेरे पास एंगल है, इस ए एंगल है, एक एंगल ऐसे बनेगा, एक एंगल ऐसे बनेगा, अल्फा है, बीटा है और गामा है। यानी कि इनको हम मेजर करते हैं इनके साइड के कोण से और एंगल से। तो इन सब के आधार पर मेरे पास जो क्रिस्टल लैटिस है वह हमारे पास एक सिस्टम बनता है, और जो हमारे पास सिस्टम है उसको बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोला जाए? क्रिस्टल सिस्टम। और जो मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम है वह 7 प्रकार का होता है, और वो 7 टाइप हम दिखाते हैं अच्छे से देखेंगे। चलिए
देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है वह सात टाइप में है, सीटोन, एचएमटी। इसमें इसका नेम लिख देते हैं, इधर इसका एज लिख देते हैं और इधर इसका हम एंगल देंगे। चलिए, तो एज हमारे पास है क्रिस्टल सिस्टम, और हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है कितना है, सात टाइप में। ध्यान देंगे सीटोर, एचएमटी। सी से क्या होता है बाबू, क्यूबिक। टी से क्या होता है भाई, ट्राइगोनल, ठीक है। ओ से क्या होता है मेरे पास भाई, ऑर्थोरोम्बिक। इसी को लोग बोलते हैं रोम्बिक, ठीक है। इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। ए हमारे पास है हेक्सागोनल। एम को बोलते हैं मोनोक्लिनिक। और इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। तो ये हमारे पास है सीटोरेचेप्टिक क्रिस्टल सिस्टम। क्या क्या भाई, क्यूबिक है, ट्राइगोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। तो एक दो तीन चार पांच छह और एक सात है। तो देखते हैं इसका जो हमारे पास एज है, साइड एज को बोलते हैं साइड। तो मेरे पास इसका साइड है वह किस टाइप से है, तो दिखा दूं पहले। क्यूबिक मेरे पास क्या होता है, तीन साइड होता है जिसको डिनोट करते हैं एबीसी। ए भी हमारे पास एबीसी, ए भी हमारे पास क्या है भाई, एबीसी है। ए भी हमारे पास क्या है भाई, एबीसी है। ए भी हमारे पास क्या है, एबीसी है। ए भी हमारे पास क्या है, ए बी सी है। इसमें हमारे पास क्या है, एबीसी है। गौर करेंगे जब इसमें हम आएंगे तो मेरे पास बराबर होगा, इसमें जाएंगे तो एक मेरे पास बराबर नहीं होगा, इसमें दोनों बराबर नहीं होगा, इसमें जाएंगे तीनों बराबर होगा, इसमें जो है एक बराबर नहीं होगा, इसमें जो है दोनों बराबर नहीं होगा, इसमें भी क्या मेरे पास है, दोनों बराबर नहीं होगा। यानी कि इस टाइप से इसका एज आराम से बन गया, सीट और एचएमटी आराम से निकल गए, एंगल भी आराम से निकाला जा सकता है। एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा और गामा। इसका भी एंगल कितना है मेरे पास, अल्फा बीटा और गामा है। इसका भी एंगल क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा है। इसका भी एंगल क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा है। इसका भी एंगल क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा है। इसका भी एंगल क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा है। इसका भी एंगल क्या है भाई, अल्फा बीटा और गामा है। सबने थोड़ा देखेंगे, ये जो हमारे पास है इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ए भी क्या होता है 90 डिग्री इक्वल होता है, ए भी क्या होता है मेरे पास 90 डिग्री के बराबर होता है। बट जब इसमें जाएंगे तो अल्फा बीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होता है, बट जो मेरे पास गामा होता है वह 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसमें जाएंगे तो अल्फा बीटा जो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, बट जो गामा है वह अल्फा बीटा जो मेरे पास 90 के बराबर है, बट हमारे पास गामा है वह 120 के बराबर। जब आगे चलेंगे तो देखेंगे कि अल्फा और जो मेरे पास गामा है वह क्या मेरे पास 90 डिग्री के बराबर है, बट बीटा जो हमारे पास है वह 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और जब इसमें जाएंगे तो ना तो अल्फा बीटा के बराबर है, ना ही बीटा गामा के बराबर है और ना ही 90 के बराबर है। तो ये जो हमारे पास सारी जो सिस्टम है सात, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम।
तो अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टल सिस्टम है क्या भाई, ये सात क्रिस्टल सिस्टम है, और वह साथ हमारे पास क्या है सीटोरचन की, इसको याद रखेंगे, और वो क्या रखेंगे सीटोर एच एम टी। तो ये हमारे पास था आपका क्रिस्टल सिस्टम। अब एक आपके बुक में और लिखा है, और लिखा हुआ क्या है तथा आप उसको देख करके परेशान होंगे, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। और वह के पास क्या लिखा हुआ है ब्रैबियस लैटिस। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास सातों सिस्टम है क्रिस्टल लैटिस का, वैसे ही इन सातों का 14 पार्ट्स बना हुआ है, और जब 14 सिस्टम बना हुआ है प्रोटीन सिस्टम, इसी प्रोटीन सिस्टम को बोलते हैं ब्रैबियस लैटिस। क्या बोला जाए ब्रैबियस लैटिस, मेरे पास प्रोटीन सिस्टम है उसी को बोलते हैं ब्रैबियस लैटिस, और जो मेरे पास ब्रैबियस लैटिस होता है वह 14 पार्ट्स का होता है। और इसका नाम ब्रैबियस क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे आयुष्टा ब्रैबियस, तो उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, इनका नाम ब्रैबियस रखा गया है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का और ब्रैबियस सिस्टम हमारे पास क्या होता है 14 टाइप का, इसमें 7 सिस्टम होते हैं उसमें हमारे पास 14 सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल का, चलिए तो देखते हैं यूनिट सेल क्या है। पासा आप लोग समझते चलेंगे अच्छे से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझाएंगे। और जो मेरे पास अगला टॉपिक आ रहा है वह क्या है मेरे पास भाई, यूनिट सिस्टम, सॉरी यूनिट सेल। यूनिट मतलब क्या होता है इकाई, यानी कि जो मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम सॉरी जो मेरे पास क्रिस्टल लैटिस बनता है तो वह छोटे छोटे सेल के मिलने से बना होता है, उसी को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। तो जिससे मेरे पास मिलने से वैसा पॉइंट जिसके मिलने से हमारे पास क्या होता है लैटिस बनता है, तो जो से क्रिस्टल लैटिस बने उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। अगर आपके मन में चलता होगा सर डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन एक ही बोल सकते हैं इसको कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या भाई बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और जो हमारे पास यूनिट सेल होता है वह दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं प्राइमेटिव यूनिट सेल, यूनिट सेल इसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। और इसको बोलते हुए हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल, यानी हम लोग देख रहे हैं क्या है कि यूनिट सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, और हमारे पास यूनिट सेल जो सेल है वह दो टाइप से आ रहा है, एक प्राइमेटिव यूनिट सेल है एक हमारे पास सेंटर यूनिट सेल है। और ये जो हमारे पास सेंटर यूनिट सेल है वह जो हमारे पास आता है तीन टाइप में, ध्यान दीजिएगा, एक को बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में बीसीसी, ठीक है। अगला को बोलते हैं फेस, और इसको बोलते हैं इंड, यानी इसको बोलते हैं एफसीसी और इसको बोलते हैं ईसीसी। यानी मेरे पास सेंटर यूनिट सेल है वह कितने टाइप्स के आएगा हमारे पास, तीन टाइप्स में आएगा। एक को क्या बोलेंगे भाई बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसको क्या बोलेंगे भाई फेस यूनिट सेल, इसको क्या बोलेंगे भाई एंड यूनिट सेल। तो बॉडी यूनिट सेल में क्या होता है, पिक्चर बड़ा बड़ा दिखा देते हैं, गौर से देखेंगे बाबू, और दिखा किसका रहा हुआ हम लोग क्यूबिक का, फेस भी हमारे पास ऐसा ही होता है,
और आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़कर के आ चुके हैं कि जो मेरे पास क्यूब होता है उसमें जो फेस होता है वह 6 होता है। तो चला जाए, दिखाते हैं अच्छे से, गौर से देखेंगे। चलिए, हमारे पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो है इसमें होता क्या है कि इसमें जो हमारे पास जो एटम होता है वह इसके कॉर्नर पर होता है, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो हमारे पास एटम होते हैं वह क्या होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ क्या होता है, एक बीच में होता है। ठीक है, इसमें चलेंगे तो इसमें जो हमारे पास एटम जो होता है वह कॉर्नर पर होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होता है, इसके फेस ये अपर वाला का है, ये बैक वाला का है, ये नीचे वाला का है, फ्रंट वाला का है, इधर का है, यानी कि उसके फेस पर इस टाइप से अगर मेरे पास है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, साइड से भी होगा। तो इसमें जो हमारे पास होता है वह फेस पे होगा और कॉर्नर पर भी होगा। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा भाई, इसके ओपोजिट साइड पर, ऐसा समझा दू। बात कर लेते हैं, ये मेरे पास क्यूब है तो इसका मेरे पास फेस है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसके कॉर्नर ओपोजिट करने का मतलब अगर इधर होता है तो इधर भी होगा ओपोजिट, तो इंड वाला में क्या होता है, कोना पर तो होगा ही होगा, साथ साथ क्या होगा भाई, बीच में भी होगा, दोनों ओपोजिट वाला। इसके यहां जब जाएंगे तो फेस पर भी होगा और फेस के साथ साथ क्या होगा, कॉर्नर पर होगा। और बॉडी में क्या होता है मेरे पास, तो हमारे पास बॉडी में जो होता है वह क्या होता है भाई, तो कॉर्नर पर होता है और एक क्या होता है, बॉडी के बीच में होता है। चलिए, तो हमारे पास देखिए प्राइमेटिव यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल, तीन प्रकार का बीसीसी, एफसीसी और एसीसी, इस टाइप से हमारे पास होते हैं। अब हमें करना क्या होता है कि इसका हमको नंबर निकालना होता है, किसे मेरे पास नंबर ऑफ एटम होते कैसे है? तो देखा जाए नंबर ऑफ एटम निकालने के हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो जो आगे हम लोग चलेंगे वह क्या होगा मेरे पास भाई, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। शायद प्राइमेटिव का छूट गया है, उसको भी प्राइमेटिव का दिखा दो, जो मेरे पास प्राइमेटिव है तो प्राइमेटिव में हमारे पास सिर्फ होता क्या है, कॉर्नर पर होगा, और कॉर्नर होते कितना हमारे पास है, 8। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास प्राइमेटिव का, बाकी घर देखे थे। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखिएगा, 1/8 गुना में क्या भाई, नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर। प्लस में क्या होगा भाई, 1/2 गुना में क्या होगा मेरे पास भाई, तो नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ
हेस यूनिट से। प्लस क्या होगा मेरे पास भाई, तो 1/4। इसमें क्या होगा मेरे पास भाई, तो नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ एज। और प्लस में क्या होगा मेरे पास भाई, तो नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ बॉडी। चलिए ये हमारे पास क्या है भाई, तो फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट निकालने के लिए। कौन कौन से यूनिट में हमारे पास कितना कितना एटम है, इससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है वो फार्मूला, 1/8 नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, प्लस क्या होगा 1/2 नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ फेस यूनिट, प्लस क्या होगा मेरे पास 1/2 नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ एज, और प्लस में क्या होगा नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो पहला निकालने चलते हैं प्राइमेटिव का। और प्राइमेटिव का एक और नाम मेरे पास है, वह है सिंपल इंप्रेशन। तो प्राइमेटिव यूनिट से हम लोग निकालने के लिए चलते हैं, तो गौर से देखिएगा। हम लोग प्राइमेटिव में क्या बात किए हैं, ये जो हमारे पास जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास जो एटम है सिर्फ कहां होता है, कॉर्नर पे होता है। ठीक है, कहां होता है कॉर्नर पे। तो लगाइए फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम, तो देखते हैं पहला क्या मेरे पास है 1/8 नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर के पास एटम है क्या, तो यस है। कितना मेरे पास है भाई, 8 है, प्लस 1/2। अब हमारे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ फेस, क्या इसके फेस पर कोई एटम है, नहीं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0, प्लस में 1/4 क्या भाई, नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ एज, क्या इसके सेंटर में कोई जो मेरे पास एज सेंटर में कोई एटम है, तो जी नहीं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। क्या इसके फेस में कोई जो बीच में कोई एटम है, नहीं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। और जब करें कैलकुलेशन तो कट जाएगा, और नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास मिलेगा वह क्या मिलेगा मेरे पास भाई, 1। यानी कि आज आपको याद कर लेना है, और याद क्या करना है कि जो मेरे पास प्राइमेटिव यूनिट सेल है, क्या भाई प्राइमेटिव यूनिट सेल है, उसके अंदर जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम होते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालेंगे, हुआ बॉडी का निकाल लीजिए। चलिए हम लोग अगर देखा किसका देखा हुआ है प्राइमेटिव का, तो प्राइमेटिव में पास यूनिट सेल कितना मिला है, 1। अब किसका देखना है बॉडी का, और बॉडी में आप देखकर क्या है, क्या होता है कॉर्नर पर तो होता ही है, साथ साथ हमारे पास क्या होता है एक बीच में होता है, तो नंबर सेंटर निकालेंगे 1/8 सही है, 1/2 फेस पर नहीं होता है, इसके एज पर भी नहीं होता है, बट हमारे पास होता क्या है, इसके बीच मेरे पास एक एटम है, तो यहां क्या लगा देंगे भाई, 1। तो चलिए जब नंबर ऑफ एटम फिर करेंगे कैलकुलेशन, 1+1 कितना मेरे पास हो गया, 2। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर में दिखा देते हैं, प्राइमेटिव यूनिट सेल कितना मेरे पास भाई, 1, और बॉडी BCC कितना मेरे पास भाई, 2। यहां पर किए कैलकुलेशन, एक बार फिर समझा दूं, बॉडी में क्या होता है बीच में होता है, ना तो फेस पर होता है ना ही इस एज पर होता है, कॉर्नर पर होता है, तो 1/8 कॉर्नर वाला हो गया, 1/2 फेस पर नहीं होता है, एज पर नहीं होता है, 0 कॉर्नर पर होता है, सॉरी
बीच में होता है एक लिख दिया, कितना होता है एक होता है देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 1+1 कितना मेरे पास हो गया 2 हो गया। ओके अब हम लोग दिखाते हैं फेस। किसी के मन में बात चल रहा होगा सर इसको याद करना पड़ेगा क्या, हम लोग इसके बिना आगे का आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसलिए आपको इसको बिल्कुल जोर शोर से अच्छे से करना क्या है याद करना है। तो चलिए एफ सी में क्या होता है भाई, थोड़ा पिक्चर बोर्ड बना देते हैं ताकि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आए। चलिए फेस में क्या होता है कि जो मेरे पास एटम तो होते हैं वह कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, क्या भाई कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कहां होता है इसका फेस पर होता है। लीजिए हो गया तो नंबर से बेटा निकाल दू, फार्मूला पहले से पता है 1/8 क्या कॉर्नर पर होता है, यस 1/2 क्या फेस पर होता है, यस फेस पर है फेसर को, और फेस होता है कितना मेरे पास है 6 प्लस 1/4 0 बीच में होता है जी नहीं। चलिए उधर 0 0 हो गया करेंगे 8 1 8 यानी कि 1 हो गया, 3 2 6 3 हो गया, इधर 0 इधर 0 यानी कहने का मतलब कि 4 यानी कि एफसीसी पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितना होता है मेरे पास बाबू 4 होता है, यानी कि एफसीसी कितना होता है 4 होता है, यानी कि कुछ भी हो जाए ये हमारे पास VVI है, कुछ याद रहे या ना रहे आपको इतना तो जरूर याद रखना है कि जो मेरे पास प्राइमेटिव यूनिट सेल है उसमें कितना होता है एटम 1 होता है, जो मेरे पास BCC उसमें एटम कितना होता है 2 होता है, और जो मेरे पास FCC है उसमें मेरे पास एटम कितना होता है 4 होता है। तो मेरे पास क्या है नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में, तो आपको इसको हमेशा याद रखना है और इसी के साथ हम करेंगे क्या क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक और हमको समझने की जरूरत है और समझना हमारे पास क्या भाई, तो हमारे पास जो एटम है वह स्फेरिकल होता है, तो एटम के बीच में होता क्या है भाई कि उनके एज में और रेडियस में कुछ रिलेशन होता है। तो चलिए उस रिलेशन को दिखा दो, तो अगला हमारे पास क्या है देखिएगा गौर से, चलिए हो गया याद रहेगा प्राइमेटिव में कितना मेरे पास 1, बीसीसी में कितना 2 और एफसी में कितना मेरे पास 4। चलिए तो क्या मेरे पास अगला मेरे पास भाई, तो रिलेशन बिटवीन एज ऑफ क्रिस्टल एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल, क्या हमारे पास भाई रेडियस ऑफ यूनिट सेल। तो देखिएगा छोटा हो गया, चलिए देख रहे हैं तो ये मेरे पास स्फीयर है आस्तर का अंदर गोला, उसमें क्या होता है भाई रेडियस होता है, तो ए आर ए बी 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 आर और ए बी आर ए बी आर, तो लगता है कि मेरे पास रेक्टेंगल बन रहा है, तो आर आर हो गया, तो आर प्लस आर आपको पता है डी को बोलते हैं, यानी कि 2R बराबर कितना हो जाता है मेरे पास भाई डी,
और ये जो मेरे पास d है लगता है कि यहां से यहां तक है, और ये जो मेरे पास d है यह क्या है मेरे पास, तो साइड ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मेरे पास क्रिस्टल है, ये मेरे पास एटम है और मेरे पास क्रिस्टल, इसका साइड मेरे पास क्या हो गया a, यानी जो मेरे पास d है वह किसके बराबर मेरे पास है, a के बराबर है। यानी कि इसको 2r बराबर क्या लिखा जा सकता है भाई, a, यानी r बराबर क्या होता है a by 2। यानी कि हमसे अगर पूछा जाए कि दिखा दो इधर साइड से कि प्राइमेटिक यूनिट सेल में जो हमारे पास सेल यूनिट सेल का रेडियस और क्रिस्टल लैटिस का साइड के बीच में जो मेरे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन कितना है, r बराबर a बाय 2, ठीक है। और अगला जो हमारे पास है वह है एब्सिसी। एब्सिसी मतलब क्या होता है, ये किसके लिए मेरे पास है भाई, प्राइमेटिव के लिए। इसमें क्या होता है r बराबर a बाई 2 रूट 2, और एक इसके लिए हमारे पास भाई है एफसीसी के लिए, और एफसीसी आपको समझ में आ रहा होगा फेस क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और अगला जो मेरे पास है वह थर्ड है, और थर्ड क्या है मेरे पास, r बराबर रूट 3 a बाय 4, और एक किसके लिए हमारे पास है, बीसीसी के लिए। यानी कि हमारे पास जो यूनिट सेल पे का जो रेडियस और क्रिस्टल लैटिस का जो मेरे पास साइड है उसके बीच हमारे पास तीन को रिलेशनशिप है, एक प्राइमेटिव के लिए, एक हमारे पास एफसीसी के लिए और एक हमारे पास बीसीसी के लिए। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कई बार पूछे हुए भी है, और इसके साथ हम करेंगे क्या भाई, क्वेश्चन बनाएंगे। इसी में हम लोग प्रायोरिटी में मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम कितना होता है मेरे पास भाई, वन, इसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम कितना होता है फेस में, 4, और नंबर ऑफ एटम बीसीसी में कितना होता है, 2। यानी कि आज हम लोग देखे भाई क्या क्रिस्टल लैटिस और क्या देखे यूनिट सेल, और यूनिट सेल हमारे पास इतना ही सारी बात है, यानी इधर याद रहो या ना रहो बट इसको जो है हमको हमेशा याद रखना है। और क्या याद रखना है भाई, प्राइमेटिव में जो नंबर से बेटा कितना होता है, 1 होता है। एफसीसी में मेरे पास नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4 होता है। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2 होता है। और इसका जो मेरे पास रिलेशन होता है साइड और रेडियस में वह क्या होता है, r बराबर a बाई 2। एफसी में क्या होता है, a बराबर 2 रूट 2, और इसमें r में क्या होता है, रूट 3 बाई 4 a। और इसी के साथ हम करेंगे क्या, क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगले क्लास हम लोग आएंगे क्वेश्चन बनाने के पर्पस से, और इतना से आपका सॉलिड स्टेट का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप आराम से इतना से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी में यह सब हमको रखना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जब अगली क्लास में आएंगे तो बिल्कुल अच्छे से इसको रिमेंबर कर लेंगे और रिविजन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यही पर एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और उसमें क्या मिलेंगे भाई हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।